मैं पहुंच चुकी हूँ हवाओं में। डिप वाला टाइम था, उसने मुझे पूरा गोता लगवा दिया अंदर ना। बस बात कर देखी बहुत जगह, बिल्डिंग देखी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम बताया में हैं और ऑफिशियली जो है वो ये हमारा पहला दिन है और आज हमारे गाइड हमें लेकर जा रहे हैं टूवर्ड्स कोरल आइलैंड। बताया ये गया है कि कोरल आइलैंड जहाँ पे हमारा स्टे है माइक रिजॉर्ट समथिंग वहाँ से करीब है, तकरीबन 10-15 मिनट में हम वहाँ स्पॉट पे पहुँच जाएंगे। लेकिन वहाँ से फिर जो है वो हमें बोट लेनी पड़ेगी और उसके बाद हमें मेन आइलैंड तक जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें जो है कुछ टाइम दरकार होगा। ऑफकोर्स वहाँ पर एक्टिविटीज के हवाले से अगर बात की जाए तो वी हैव पैरासेलिंग है, अंडर वाटर सी जो है वो वॉक है, किसी ने ग्लाइडिंग करनी है, किसी ने बोटिंग करनी है, किसी ने जर्सी पे सफर करना है, तो ये तमाम एक्टिविटीज जो है वहाँ पर हमें मिलेंगी। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, तो देखते हैं कि वहाँ पे जाकर कितना मजा मजीद आता है। सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो दे आर गिविंग अस अ नंबर ताकि हम खोए नहीं। सो दिस इज द पताया। ओके सो ये है साइड के मनाजर, हाई स्पीड बोट ली जाती है और उसके बाद जो है वो कोरल आइलैंड की तरफ सफर गामजन होता है। सो मेनी बोट्स यू कैन सी हियर। ओके सो ये इस तरह का ब्रिज एक बना हुआ ऑल द वे हमें जाना है टू हैव द बोट। बहुत गर्मी है, हालत जो है वो बुरी हुई हुई है। हाँ यहाँ पर आने के जो सबसे अच्छे महीने हैं वो बताया जाता है कि दिसंबर से मार्च तक के होते हैं, अदरवाइज गर्मी बर्दाश्त करनी होती है। ऑलराइट सो वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दिस वे, हम यहाँ पर असफल होंगे। सो ये रास्ता है, यहाँ से उतर के हम इसके ऊपर आएंगे और यहाँ पे ये बोट लग रही है, हमें यहाँ पे बैठना है और फिर ये अपने सफर की तरफ गामजन होना है। अभी भी हम बोट में बैठ चुके हैं और ये हमारे कुछ लोग हैं। लेकिन दो तीन मिनट के लिए मोबाइल यूज करना बंद, अपनी बातें बंद, और आपने दो से तीन मिनट मुझे प्रॉपर देने हैं अगर आज के दिन मजा लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप जितने भी लोग इधर बैठे हुए हो, अगर किसी को बीपी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड प्रेशर एंड शुगर, भाई साहब बोलो सब कुछ कर सकते हैं। ओनली ओनली हार्ट पेशेंट कुछ नहीं करे। ओके तो ये इनको ये पहना रहे। सो भाई एहतियाती तदाबीर ये है कि आप अगर चाहें तो ग्लासेस को भी इस तरह से टाई अप करवा सकते हैं, और जो कि मैंने करवा लिया है एंड आई एम फुली रेडी टू हैव दिस फ्लाइट। ओके सो आई एम सो एक्साइटेड, मेरी टर्न जो है वो सिर्फ आने वाली है। और हाउ वाज दैट, हवाओं में जो है वो हम उड़ने वाले हैं और देखेंगे कि ये कैसा एक्सपीरियंस है। मैं पहली दफा कर चुकी हूँ और इट वाज गुड। अर्लियर मैं पहले गिर गई थी। 1 2 3 रन। और ये मैं लैंड कर रही हूँ। ओके, आई डोंट नो, सो इट वाज लवली एक्सपीरियंस गाइस। हवाओं में घूमे समंदर में मजा आता है। सो ये इस तरह से लैंडिंग है।
पैरासेलिंग पहली दफ़ा की और बहुत अच्छा लगा। ऊपर जाके चश्मे लगाए हुए थे तो दुनिया नज़र आ रही थी, वरना तो बहुत धूप होती। और वो जो डिप वाला टाइम था उसने मुझे पूरा गोता लगवा दिया अंदर ना, मतलब आई वाज लाइक फुली वेट। पहले मुझे नहीं करना था, फिर मैंने कहा वंस इन अ लाइफ है तो मैंने कर लिया, लेकिन अच्छा था। सुधर बहुत अच्छा है, जिन्होंने पहले कभी नहीं किया उनके लिए बहुत अच्छा है। मैंने भी पहले कभी नहीं किया था, मेरा फर्स्ट टाइम था, इट वॉज वेरी नाइस। हमने पहली दफ़ा किया है, हमें बहुत मज़ा आया है। और बहुत हाइट पे मुझे डर लगता है, लेकिन मैंने किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं भी थोड़ा सा नर्वस थी, बट उसके बाद में सही हो गई। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा, बिल्डिंग देखी, आसमान के पास। ऐसे ही एक दफा तो करे, उसका डर निकलेगा। पैरासेलिंग के बाद अब हम कामसन है टूवर्ड्स कोरल आइलैंड जाना है इनसाइड, तो वहाँ पर भाई हम लाइफ जैकेट पहने लगाएंगे। लोग अंडर सी वॉक करने के लिए जाना शुरू कर रहे हैं, कुछ इसमें लुढ़कते पड़कते नजर आए, कुछ जो है वो अच्छे अंदाज में पानी में उतरते चले गए हैं। भाई जिस जिसने गाइड की बातों को जहीन नशीन किया वो तो रहा कामयाब अंडर सी वॉक करने में, लेकिन अगर किसी ने भूल गया तो वो थोड़ा सा घबरा गया जनाब। वॉक नहीं करना चाहते तो वो बाहर बैठ के ये खूबसूरत से मनाजिर जो है वो देख सकते हैं, अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। बोट जो है ये पूरा एक बहुत मज़ेदार सा डेक है पूरा, इसको जो है वो बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और जो लोग अंदर गए हैं वो तो उनका इंतज़ार करें बैठ के मज़े से।
It was fun. Another one who is coming. I hope this trip is Sidra. Please miss somewhere. Tell me again, when you are going. आपकी बदली नहीं करते. Please miss. सो भाई अंडर सी तो जो है वो खूब मज़े मौज मस्ती कर ली है और अब हम जो है वो रवाना हो गए हैं. कहाँ पर? अब हम बैठेंगे सी साइड पर और वहाँ पे जो है वो मौज मस्ती करेंगे और वहाँ की लहरों को देखते हुए अपना मज़ीद टाइम स्पेंड करेंगे. अब जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं. आराम से यहाँ बैठे ठंडा ठंडा जूस पिएं, बनाना बोट की राइडिंग करें और इसके अलावा ये आप मज़े से जो है वो उसकी राइड ले सकते हैं. मोटर बाइक जो है वो वाटर की वो चला सकते हैं. तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, फुल फन फुल इंजॉयमेंट यहाँ पर है आपका. वर्थ टेकिंग जो है ना वो डे यहाँ पर आके करना है, स्पेंड कर सकते हैं. केलियाँ करने के बाद अब गामजन है वापसी की तरफ. तो अभी तक के लिए इतना ही. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.